हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट नोटिस के बारे में जो टीवाई बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए आई है। जैसा कि आप देख सकते हो, ये जो टीवाई बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए नोटिस है उसमें कुछ चीज़ें बहुत ही क्रिटिकल तरीके से बताई गई, इन्फॉर्मेशन को डिलीवर किया गया जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया है कि एज पर न्यू स्कीम ऑफ CBCS पैटर्न, इट इज कंपल्सरी टू द स्टूडेंट ऑफ टीवाई बीकॉम टू अपियर फॉर द पेपर ऑफ अकाउंट्स और मैनेजमेंट ग्रुप विच दे अपियर इन एंड पास इन द SY बीकॉम। यानी अगर आप SY बीकॉम में थे और आप मैनेजमेंट ग्रुप में थे और या अकाउंट्स के ग्रुप में थे, तो आपको टीवाई बीकॉम में एक एडिशनल पेपर आपको यहाँ पर अटेम्प करना पड़ेगा। मतलब अगर आप बिजनेस मैनेजमेंट पेपर SY बीकॉम में थे तो यू हैव टू अपियर द बिजनेस मैनेजमेंट पेपर इन TY बीकॉम ऑल्सो। इफ स्टूडेंट अपियर इन द फाइनेंशियल अकाउंट पेपर इन SY बीकॉम, देन द स्टूडेंट हैव टू अपियर फॉर द फाइनेंशियल अकाउंट पेपर इन TY बीकॉम एज वेल। मतलब SY में अगर आपका मैनेजमेंट ग्रुप था तो TY में एक सब्जेक्ट आपका बढ़ जाएगा, SY में आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग था तो यहाँ पर भी आपका एक सब्जेक्ट बढ़ जाएगा। If the student appear in the business management paper in SY BCom, wishes to appear for the financial account paper in TY BCom and vice versa, then said has to fill the form and appear for one extra paper of SY BCom class of the subject which he wishes to appear in the TY BCom. In short, कहा जाए तो अगर आप management group से थे, अगर आपको SY में accounts नहीं था तो आप मैनेजमेंट ग्रुप का एक फॉर्म फिलअप करोगे, अगर आपको SY में अकाउंट था तो आप अकाउंट्स ग्रुप का एक फॉर्म फिलअप करोगे। अब आपके मन में आएगा, सर हमारा तो टोटल 6 सब्जेक्ट था। इफ द स्टूडेंट हैज अपीयर SY बिकम इन एनुअल पैटर्न स्कीम विद 6 पेपर, देन इट इज कंपल्सरी टू स्टूडेंट टू अपियर फॉर एडिशनल 1 पेपर ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट बिजनेस मैनेजमेंट इन SY बिकॉम विच द स्टूडेंट ऑप्टेड इन TY बिकॉम। मतलब अगर आप एनुअल पैटर्न के स्टूडेंट्स थे जिसमें आपको 6 सब्जेक्ट थे, तो आपको 7वां सब्जेक्ट अब एडिशनल अप्लाई करना पड़ेगा। अब सबसे बड़ी बात आती है, सर SY बीकॉम में 7वां पेपर कहाँ था, हमारे पास तो 6 ही पेपर थे। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, एक क्रिटिकल बात निकल के जो आ रही है वो आपको बताने की कोशिश मैं करूँगा। यहाँ पर एक बच्चे का मुझे मेल आया था, वहाँ पर उन्होंने व्हाट्सएप के जरिए भी मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश की। दोनों जगह पर उन्होंने मुझे ये मैसेज शेयर किया कि उनको इस तरीके का एक, जैसे वो लॉगिन करते हैं, अगर आप SY बीकॉम से TY बीकॉम में गए हो तो सबसे पहले आप मेल आईडी चेक करो, या सबसे पहले आप लॉगिन क्रेडेंशियल से लॉगिन करो। आइडॉल में जैसे आप लॉगिन करोगे, वेबसाइट पर जैसे लॉगिन करोगे, आपको इस तरीके का एग्जाम फॉर्म सबमिशन दिखाई देगा, जहां पर आपको क्लियरली बोला कि बिजनेस मैनेजमेंट मार्केटिंग मैनेजमेंट का आपको एक फॉर्म भरना है, 240 रुपीज का प्राइसिंग है, ठीक है, 240 रुपीज आपका एग्जामिनेशन फॉर्म का चार्जेस है। अब मैंने जब इस बच्चे से मेरी बात हुई, पूरी तरीके की इंट्रैक्शन हुई, तो पता चला उसको SY बीकॉम में किसी भी तरह की KT नहीं है, यानी यहाँ पे 7वां सब्जेक्ट का फॉर्म भरने के लिए कहा गया है। अगर आपको इस तरीके की कोई भी क्लैरिटी चाहिए तो आप आइडल से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फिजिकल सेंटर पर जाके। लेकिन फिलहाल अगर आप लोगों को यहाँ पर आपके लॉगिन क्रेडेंशियल से लॉगिन करने के बाद इस तरीके का फॉर्म सब रिक्वेस्ट आता है, तो आप उसको प्रोसीड करके पहले फॉर्म फिलअप कर दीजिए। अकाउंटेंसी ग्रुप है तो आपको अकाउंटेंसी ग्रुप के लिए अप्लाई करना है, एक सब्जेक्ट एडिशनल आपको भरना पड़ेगा। मैनेजमेंट ग्रुप था तो आपको मैनेजमेंट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। ये सारी जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो स्टूडेंट के साथ इंट्रैक्शन और आइडल की इन्फॉर्मेशन देखने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ। इस पर कोई भी एक्स्ट्रा क्लैरिटी आएगी तो मैं अपने चैनल पर बताने की कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले आप अपना मेल आईडी या अपने लॉगिन क्रेडेंशियल से आइडल की में लॉगिन कीजिए, आइडल की वेबसाइट पर लॉगिन कीजिए। उसके बाद आप इसको क्लैरिटी मिलेगी कि आपका किस तरीके का था। यहाँ पे देखिए, सेमेस्टर CBCS सेमेस्टर 3 का था तो भी इसे फॉर्म जनरेट हुआ है, तो आपको ये फिलअप करना जरूरी होगा। प्रोसीड पर क्लिक कीजिए, 240 रुपीज़ पे कीजिए 7वें सब्जेक्ट के लिए। इस पर अगर आपको कोई भी क्लैरिटी मिलती है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या तो मैं आइडल से कांटेक्ट कर आपको इस पर मेजॉरिटी क्लैरिटी देने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करो, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। इसी तरीके के आइडल रिलेटेड अपडेट के लिए चैनल पर बने रहे। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।